अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में है चने की दाल करेले। चने की दाल करेले बनाने के लिए हम सबसे पहले करेले को तैयार करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको करेले के बारे में बताऊँ। करेले जो है गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होते हैं, स्किन प्रॉब्लम में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो कि गर्मी दाने वगैरह हो जाते हैं बच्चों के लिए, उसके लिए भी इसका जूस निकाल के अगर बनाया जाए पिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो करेले को तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो दाने वाला जो हिस्सा था हमने बिल्कुल इसको छील लिया, ठीक है, इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। इसके बाद इसको हमने राउंड शेप में इस तरह से काटते हैं। करेले हमने काट के तैयार करनी है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें तमाम करेलों को हम इस तरीके से डाल देंगे बॉल के अंदर। ठीक है, तमाम करेले इसके अंदर डाल दिए हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही नमक लेंगे इसमें लगा के। चम्मच हमने नमक डाल दिया इसके अंदर। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके अब हम इसको पान के घोलेंगे। ठीक है, फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करेलों को हमने नमक के पानी में धोकर अच्छे से साफ कर लिया, छन्नी से डाल के इसका पानी सारा जितना भी जी लिया था हमने सब निकाल दिया है, इसको ड्राई कर लिया है हमने। ठीक है, 1.5 कप हमने लिए चने की दाल जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। 1 चम्मच हमने लिए पीसी लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने लिए है कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने लिया नमक या हसन जायका ले लीजिएगा, और 1/2 चम्मच हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, 3 अदद दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने स्लाइस किया है, 3 अदद बड़ी गड्ढी ली है प्याज की इसको हमने स्लाइस कर लिया है, 1/2 गड्ढी हम लेंगे हरा धनिए की। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है तो मैं ले रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 2 कप कुकिंग ऑयल। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल को हम 2 मिनट तक गर्म होने देंगे, थोड़ा तेज़ गर्म होने देंगे, बहुत हल्का गर्म हुआ है। ठीक है, कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने जो करेले प्याज के इसके नमक के पानी से धोए थे हमने वो करेले डाल देने हैं इसके अंदर, और करेलों को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ठीक है, अल्लाह तबारक ताला ने हर सब्ज़ी में कोई ना कोई अहमियत रखी है, कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, कोई भी सब्ज़ी नुकसानदेह नहीं होती है। इस वक्त वायरस का दौर है तो इस वक्त तो कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए हमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और हर सब्ज़ी कोई ना कोई फ़ायदा लिए हुए है। जैसे अब करेले के अंदर गर्मी में करेले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन की इनको प्रॉब्लम होती है, दाने हो जाते हैं, या कि ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ों के लिए भी होते हैं, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं करेले। करेले बहुत फ़ायदेमंद है, खून साफ करते हैं। ठीक है, हर सब्ज़ी हमारे लिए एक नेमत है, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए बहुत नेमतें उतारी हैं दुनिया में, सब्ज़ियों की शक्ल में, फलों की शक्ल में। जितना अपना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम। तेल में डालने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको हमने खुले में ही फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट हो गए हमने करेलों को फ्राई करते हुए। देखिए करेले हमारे बिल्कुल से तैयार हो गए, ये तो गोल्डन हो गए। अब इसको हम 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे और उसके बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे करेलों को। दो से तीन मिनट हमने इसको मजे से फ्राई कर लिया है, अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में।
अच्छे से फ्राई हो गए, बस हमने इतने ही फ्राई करने थे इसको। ऑयल में से हमने तमाम करेले निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके अंदर प्याज डाल ली है। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है प्याज को, गोल्डन फ्राई करना है। करेलों की मैं आपको दो तीन रेसिपियाँ पहले भी दे चुकी हूँ, भरवा करेले दिए हैं और प्याज करेले दिए हैं, आज हम बना रहे हैं चने की दाल करेले, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, ठीक है, बहुत लाइट से हुई है गोल्डन प्याज, इसको बस इतना ही हम रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने गोल्डन प्याज कर ली। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हमें थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें हमने साथ ही डाल देना है सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और नमक डालेंगे। उसके बाद हमने डाल देना है इसमें हल्दी, हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल के तकरीबन आधा कप के करीब, और उसको मसाले को थोड़ा सा पहले हम भून लेंगे ताकि मसाले में किसी भी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। एक प्याली मैंने पानी डाला ताकि मसाले हमारे भून जाए अच्छे से। लेकिन मसाला हमारा भून गया है, ठीक है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है हमारे मसाले की, मसाले को हम अच्छे से भून लिया हमने। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर डाल देना है एक गिलास पानी, पानी को हल्का सा बबल्स आने देंगे, ठीक है, पानी को पहले हम थोड़ा सा पका लेते हैं। हमने कवर करके रखा था, पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया जो हमने मसाला डालने का सारा पानी डाला था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल, दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, ठीक है। दाल डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है और कवर करके हमने इसको मीडियम आंच पर रख देना है एक गलने तक, ठीक है। अब हमने इसको मीडियम आंच पर रख दिया, दाल हमारी बिल्कुल से तैयार हो चुकी है, ठीक है। घी तेल जो है हमारे पास साइड में आ गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो करेले हमने मिक्स कर देने हैं इसमें। करेलों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी मोटी वाली स्लाइस, हमने वो डाल देनी है, ठीक है। वो डालने के बाद हमने इसके अलावा जो टमाटर काट के रखे थे चॉप, टमाटर काट डाल देना है इसमें, ठीक है। ये सब मिक्स करके डालने के बाद अब हमने इसमें हरा धनिया डालना है, ठीक है। इस तरीके से हरा धनिया मिक्स डालने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखा। और कवर करने से पहले अब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, ठीक है। गरम मसाला पाउडर डाल के अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। पांच मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रखा था, ठीक है। हमने इसको मिक्स करेंगे, चने की दाल करेले हमारा बिल्कुल से तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आज के हमारे चने की दाल करेले की रेसिपी बिल्कुल से तैयार है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।